तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आए हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम। ये गेम दोस्तों खेला गया था विश्वनाथन आनंद और एंटन डेमचेंको के बीच में। ये गेम दोस्तों वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में खेला गया था 2017 में जो हुआ था। ये दोस्तों राउंड 4 का गेम है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एट फर्स्ट आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देख लीजिए, फिर आप डिसाइड करना कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं विश्वनाथन आनंद और उनका ओपोनेंट है एंटन डेमचेंको, जो कि ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं। तो विश्वनाथन आनंद जी ने ओपन किया विथ e4, उसके बाद c5, नाइट टू f3, उसके बाद d6, d4, cd4, नाइट d4, उसके बाद नाइट टू f6, नाइट टू c3, नाइट टू c6, उसके बाद बिशप टू g5, उसके बाद e6, उसके बाद क्वीन टू d2, उसके बाद a6, उसके बाद वाइट ने कैसल कर लिया, उसके बाद बिशप टू d7, उसके बाद f4, उसके बाद बिशप टू e7, उसके बाद नाइट टू f3, उसके बाद b5। और दोस्तों, ये b5 मूव के बाद वाइट को मौका मिला ब्लैक के पॉन स्ट्रक्चर को ख़राब करने का। यहाँ पर से उन्होंने दिया था, विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर से दिए थे बिशप कैप्चर्स ऑन f6। और दोस्तों, ये बिशप कैप्चर्स ऑन f6 मूव के बाद आप इस बिशप को अपने बिशप से नहीं कैप्चर कर सकते। अगर बिशप कैप्चर्स ऑन f6 अगर आता तो क्वीन कैप्चर्स ऑन d6 आ जाता। तो इसी वजह से आपको इस बिशप को पॉन से कैप्चर करना पड़ेगा। तो पॉन कैप्चर्स ऑन f6, उसके बाद किंग टू b1, उसके बाद b4, नाइट टू e2, उसके बाद a5, उसके बाद f5, उसके बाद e5, उसके बाद रूक टू g1, क्वीन टू b6, उसके बाद g4, क्वीन टू f2, उसके बाद क्वीन टू d3। दोस्तों, इस नाइट को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद h कैप्चर्स ऑन g4, रूक कैप्चर्स ऑन g4, उसके बाद नाइट टू d8। दोस्तों, आइडिया है बिशप को b5 से लाने का। उसके बाद आनंद जी ने अपने रुक को ब्रेक किया, रुक टू g2, उसके बाद क्वीन टू c5, उसके बाद नाइट टू g3, उसके बाद a5, नाइट टू d2, नाइट टू b7, क्वीन टू f3, उसके बाद a4, बिशप टू c4। आइडिया है दोस्तों, इस बिशप को एक अच्छा जगह पे प्लेस किया और इस f7 के पॉन के ऊपर भी प्रेशर है और ये b3 मूव को भी रोक रहा है ये बिशप। उसके बाद रुक टू c8, उसके बाद रुक टू c1, बिशप टू f8, उसके बाद नाइट टू h5, किंग टू e7, उसके बाद क्वीन टू g4। और इस पोजीशन पे दोस्तों एक ब्लंडर दिए थे उन्होंने, यहाँ पर से दिए थे बिशप टू h6। ये मूव दोस्तों एक ब्लंडर है। इस पोजीशन से दोस्तों प्रोबेबली बेटर होता क्वीन टू d4, उसके बाद अगर नाइट कैप्चर ऑन f6। दोस्तों, इस नाइट को तो नहीं कैप्चर किया जा सकता, अदरवाइज ब्लैक चेकमेट हो जाएगा। तो इन रिटर्न में दोस्तों ब्लैक इस बिशप को कैप्चर कर सकता है। उसके बाद रुक कैप्चर ऑन c4, उसके बाद अगर नाइट कैप्चर ऑन c4 तो क्वीन कैप्चर ऑन c4, उसके बाद अगर क्वीन टू g5 तो बिशप टू c6, इस किंग के लिए जगह बनाया। उसके बाद अगर नाइट टू d6 डबल चेक तो सिंपली किंग टू e8। और दोनों खिलाड़ियों के पास ही दोस्तों इक्वल चांसेस रहता। लेकिन हमारे गेम में दोस्तों खेला गया था बिशप टू h6। और आप एक बार इस पोजीशन पे इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इस पोजीशन से विश्वनाथन आनंद जी ने कौन सा मूव दिया था। तो रेडी, इस पोजीशन से दोस्तों विश्वनाथन आनंद जी ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। उन्होंने यहाँ पर से दिया थे नाइट कैप्चर ऑन f6। उसके बाद दोस्तों, इस नाइट कैप्चर ऑन f6 के बाद इस किंग कैप्चर ऑन f6 मूव नहीं खेला जा सकता। इसी वजह से यहाँ पर से उन्होंने दिए थे बिशप कैप्चर ऑन d2, उसके बाद नाइट टू d5 चेक, उसके बाद किंग टू e8 और क्वीन टू g8 चेक के बाद दोस्तों ब्लैक ने रिजाइन दे दिया। यहाँ पर से दोस्तों क्यों रिजाइन दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर से सपोज खेला जाता है रुक कैप्चर ऑन
G8 तो सिंपली रुक कैप्चर्स ऑन G8 और ये चेकमेट होता, तो इसीलिए इस पोजीशन पे डेमचेंको ने रिजाइन दे दिया और एक कमाल का दोस्तों विक्ट्री रहा विश्वनाथन आनंद जी के लिए। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और आपसे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें।